फ्लोरिस वाल्डो दी ओलिवेरा, जिसको कैबो ब्रूनो नाम से भी जाना जाता है, एक ब्राजीलियन मिलिट्री पुलिस ऑफिसर और दुर्दांत सीरियल किलर था। 1980 में उसे साओ पोलो स्टेट में 50 से ज़्यादा हत्या के लिए दोषी माना गया। उसे ब्राजीलियन पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल कैरेक्टर माना है, क्योंकि उसने पहले तो अपने गुनाहों को कबूल किया मगर कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो गया। कहते हैं जब भी वो अपने पुलिस ऑफिसर के काम से फ्री होता उसका दूसरा काम चालू हो जाता। उसने कई बेगुनाहों का कत्ल किया। उसके शहर के लोग उसके समय को याद करते हुए कहते हैं कि वो समय बहुत डरावना था। सब डरे सहमे रहते थे कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, खास तौर पर व्यापारी लोग, क्योंकि व्यापारी उसके निशाने पे पहले आते थे। जोस अप्रेंडिसो नाम का एकमात्र इंसान था जो उसके हमले से बच गया था।